एमपी के ग्वालियर चंबल संभाग में बीते दिनों आई बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से तबाह हो गया है। सरकार का दावा है कि बाढ़ पीड़ितों के साथ वह खड़ी है, मगर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। श्योपुर जिले के बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि अब तक उनके पास कोई राहत नहीं पहुंची है, ना ही उन्हें अब तक सहायता राशि दी गई है। सोमवार को राजधानी भोपाल पहुंचे करीब 5 गांव के ग्रामीणों ने सीएम हाउस का घेराव करने के लिए कुछ किया, मगर पुलिस ने उन्हें शहर के रविन्द्र भवन पर ही बैरिकेडिंग कर रोक लिया। हमारी मांगे में मुख्य मांगे जो हैं वो हैं, पहली तो जो सर्वे सूची में हेरा फेरी की गई है उसका पुनर्सुधार कर प्रॉपर मुआवजा, प्रॉपर जो लोग प्रॉपर बाढ़ पीड़ित हैं उनको मिले। दूसरी मांग हमारी ये है कि जिला प्रशासन द्वारा जो सर्वे में लापरवाही बरती गई है, कोताही बरती गई है, उसको सुधारा जाए। यहाँ तक कि प्रशासन का रवैया जो है, वहाँ क्षेत्रीय स्थानीय प्रशासन का जो रवैया है वो बहुत ही खराब है लोगों के प्रति। वहाँ पर लोगों से इतनी बुरी तरीके से बिहेव किया जाता है, जहाँ पर कार्यालय में जाते हैं 5-5, 10-10 बार आवेदन लगाए गए उसके बावजूद भी उनकी सूचियों में नाम नहीं डाले गए। इस तरीके की मांगों को लेकर के हम सीएम साहब से मुलाकात के लिए आए। बराबर मुआवजा सरकार की निगाहों में बराबर मुआवजा दिया गया होगा, लेकिन हम तो जो पृष्ठभूमि पर, वास्तविक पृष्ठभूमि पर कितना पहुंच रहा है, कितने परिवार हैं जो इस बार पर कम से कम नहीं तो ये 4 से 5 गांव तो ऐसे हैं जिनमें पूर्णतः, जिसमें से एक गांव तो ऐसा है कि जिसको मतलब क्षेत्र के नाम से उसी के गाँव ही नहीं है वो, जबकि पंचायत में उस गाँव है वो गांव ही नहीं माना गया है। बाढ़ पीड़ित तो छोड़ो, वो पंचायत से गांव ही हटा दिया गया है। पूरी तरीके से घर तबाह हो गए हैं, मवेशी तबाह बह गए हैं, मवेशी मर गए हैं, रहने के लिए झोंपड़े नहीं है लोगों के पास में। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।